गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 14 जुलाई, दोपहर के बज रहे हैं 2:47। हम कर रहे हैं अपनी वीकेंड स्टडीज। फ्रेंड्स, मॉर्निंग का सेशन बहुत ही शानदार रहा था। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नाम है शेयर एकेडमी, 2200 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं फ्रेंड्स हमारे साथ। और मॉर्निंग का ये सेशन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। संडे स्पेशल एक आई ओपनिंग सेशन था फ्रेंड्स। अगर चैनल आ रहा है आपको पसंद और वीडियोस आपके लिए किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं आपकी सीखने में, साथ ही साथ पोर्टफोलियो बनाने में, तो वीडियोस को कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट्स। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, शर्त सिर्फ एक है कि शेयर एकेडमी में हम शेयर्स को करते हैं थॉरली एनालाइज। हम फॉलो करते हैं वॉरेन बफेट और रामदेव अग्रवाल जी की फिलॉसफी को, शेयर्स को फंडामेंटली और टेक्निकल बेसिस पर एनालाइज करने के बाद लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में बाय करने की कॉल देते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट के मूवमेंट के आधार पर, मिनिमम पोजीशंस वीकली बेसिस पर और मैक्सिमम ईयरली बेसिस पर, या फिर उससे भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में शेयर्स रखने के लिए हम सलाह देते हैं। यहाँ पर सारी की सारी सलाह सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के बेसिस पर होती है। अगर किसी भी तरह का आपको डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से इस बारे में सलाह ज़रूर लें फ्रेंड्स। अगर आप हैं एक इंट्राडे ट्रेडर या फिर ऑप्शन ट्रेडर और इस संबंध में किसी तरह की कोई मदद ढूंढ रहे हैं, सो वी आर रियली सॉरी, शेयर एकेडमी आपकी इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बेहद खास है। लर्न टू अर्न सीरीज के तौर पर हमने जो भी अपने निवेशक थे और लर्न टू अर्न सीरीज के जो भी सब्सक्राइबर्स थे, उन सभी को सिखा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस और धीरे धीरे मार्केट के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते जा रहे हैं। आज एक बेहद खास सेशन है फ्रेंड्स, और उस सेशन का नाम है लर्न टू अर्न सीरीज का 20th वीडियो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में, और टॉपिक है कि आखिर सीक्रेट क्या है। सो ध्यान से देखिएगा इस पूरे सेशन को, क्योंकि कुछ आई ओपनिंग इन्फॉर्मेशंस शेयर करेंगे आपके साथ में हम। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है फ्रेंड्स, सो पूरे सेशन को ध्यान से देखते रहिएगा। ओके, सबसे पहली और सबसे मजेदार चीज है इस पूरे सेशन के दौरान, जहां से कि इन्फॉर्मेशन हमको मिली है आज मॉर्निंग का जो हमारा सेशन हुआ था वहां से, जिसमें कि हमने अपने सब्सक्राइबर से क्वेश्चन पूछा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में मार्केट के संबंध में किसी तरह की कोई प्रोफेशनल डिग्री है, और आंसर मिला ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास में किसी तरह की मार्केट के संबंध में कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। सेकंड क्वेश्चन था कि अगर किसी तरह की कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो आपने कोई कोर्स किया है मार्केट में किसी भी तरह का, 3 महीने या 6 महीने या इससे भी ऊपर समय का। सो पता चला कि ज्यादातर लोग, और जब हम कह रहे हैं ज्यादातर तो इसका मतलब है 99% लोग ऐसे थे जिनके पास में किसी तरह का कोई कोर्स भी नहीं है मार्केट में। थर्ड, हमने पूछा कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुक्स पढ़ी हो, और मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स हमने दी 30, मिनिमम 30 बुक्स तो आपने पढ़ी ही होंगी। उसमें भी हमें मिला 99% लोग ऐसे थे जिन्होंने मार्केट के संबंध में 30 से भी कम बुक्स पढ़ी थी, किसी ने 2, किसी ने 5, और उसके बाद मार्केट में उतर आए थे। और फ्रेंड्स, जरा ध्यान से सोचिए कि इतनी कम इन्फॉर्मेशन के साथ में लोग मार्केट के अंदर आ रहे हैं और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में वो न सिर्फ दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करेंगे बल्कि प्रॉफिट भी निकालेंगे। किस हद तक ये मुमकिन है, इसका जवाब आप खुद ही कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। खैर, हमारा आज का टॉपिक है और वो ये है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। ज्यादातर वक्त आप ये देखेंगे कि मार्केट में अवेलेबल बिजनेस चैनल्स, जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, ब्लॉगर्स अवेलेबल हैं, वीडियो ब्लॉगर्स हैं, साथ ही साथ यूट्यूबर्स, और इसके साथ में मौजूद अहमदाबाद और मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल फर्म्स हैं जो कि आपकी मदद करती हैं और आपको प्रोवाइड करती हैं टिप्स। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी निवेशक हैं ये इंट्राडे ट्रेडिंग करें या फिर एफएनओ सेगमेंट के अंदर ट्रेडिंग करें, और ये एफएनओ के अंदर आपको टिप्स प्रोवाइड करती हैं। यहीं पर आज का ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम करने जा रहे हैं आई ओपनिंग सेशन जो कि है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। ध्यान से सुनिएगा इसे। वॉरेन बफेट जी का एक बहुत ही फेमस कोट है फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। इन्हें अगर एक शब्द में कहें तो आप कहते हैं डेरिवेटिव्स। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एक वर्ड में कहा जाता है डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो डेराइव करते हैं किसी भी एक अंडरलाइंग एसेट से। सो वॉरेन बफे कहते हैं कि डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो हैं इन्होंने सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है लोगों का। आखिर क्यों दुनिया का एक सबसे बड़ा निवेशक ये बात कह रहा है, और सुनने में ऐसा लग रहा है कि इसकी ये बात फ्यूचर एंड ऑप्शंस के पूरी तरह से खिलाफ है। दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है, या फिर इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग एफएनओ सेगमेंट के अंदर ट्रेड करते हैं वो पैसा बना रहे हैं, और या फिर वॉरेन बफे अपनी जगह सही हो सकते हैं। तो खैर, देखते हैं इस पूरे सेशन के दौरान कि एफएनओ सेगमेंट का आखिर जन्म क्यों हुआ था। जरा ध्यान से इस चीज को सुनिए कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑप्शंस का असल में जन्म क्यों हुआ था, और बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस एफएनओ सेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा
कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ही अपने आप में बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि किसी एक आदमी के पास एफएनओ के अंदर ट्रेड करने से पहले उसकी मेन वैल्यू अवेलेबल होना जरूरी है। ये चीजें शुरू हुई थी एंशियंट टाइम में कमोडिटीज के साथ में, जब राइस, सोयाबीन, दालें, इन सब की एक दूसरे के साथ में लोग आदान प्रदान करते थे और उनके पास इनकी मेन वैल्यूज अवेलेबल होती थी। यानी किसी आदमी के पास 100 बोरी चावल है, उसके बाद वो इस 100 बोरी चावल रखने के बाद इस पर किसी दूसरे आदमी के साथ फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करता था और ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाते थे। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी दशा में एट लास्ट सेटल करने के लिए जो ये बोरियां चावल की अवेलेबल थी इनका इस्तेमाल किया जाता था। बेसिकली अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जाए तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस इन दोनों का ही जन्म हुआ था हेजिंग के लिए। ध्यान से सुनिएगा इसे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जन्म हुआ था हेजिंग के लिए। अब हेजिंग क्या है अगर लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाएं तो, मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए के शेयर्स रखे हुए हैं और आपको ये डर है कि आगे आने वाले बजट में सरकार की तरफ से कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो अचानक से नीचे जा सकता है, पूरी पूरी शेयर मार्केट नीचे गिरेगी, आपको यह डर है कि आपके पोर्टफोलियो का नुकसान होगा। इस नुकसान से बचने के लिए आप क्या करेंगे? इस नुकसान से बचने के लिए आप ऑप्शंस के अंदर जाएंगे और पुट ऑप्शंस खरीदेंगे। इसका फायदा यह है कि जब मार्केट गिरती है तो पुट ऑप्शंस का रेट बढ़ता है, जितना नुकसान आपको आपके पोर्टफोलियो में होगा पुट ऑप्शंस खरीदने की वजह से आपको उतने ही पैसों का फायदा हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेजिंग। किसी भी नुकसान से बचने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम ऑप्शन के थ्रू, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं हेजिंग। बड़ी मजेदार चीज है, हेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े निवेशक हैं, करोड़पति और अरबपति निवेशक जिनका पोर्टफोलियो करोड़ों में और अरबों में है, वो अपने पोर्टफोलियो को सेफ करने के लिए हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट के द्वारा। जरा ध्यान से सोचिए, आप एक कार खरीदते हैं दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए, वो कार भविष्य में किसी तरह से टूट फूट ना हो, खराब ना हो जाए, या टूट फूट और खराब होने की दशा में आपको बहुत ज्यादा पैसे ना देने हो, इसके लिए आप उस कार का एक इंश्योरेंस करवाते हैं। बेसिकली हेजिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट वो इंश्योरेंस ही है। बट मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ इंश्योरेंस खरीद कर आप दिल्ली से बॉम्बे जा सकते हैं? आंसर है नहीं। दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए आपको कार खरीदनी होगी। दिल्ली से बॉम्बे की जर्नी बेसिकली आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है। मार्केट के अंदर आप आते हैं फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, अमीर बनने के लिए। अमीर बनने के लिए जरूरी है दिल्ली से बॉम्बे की जर्नी की तरह एक कार खरीदना, यानी निवेश करना। निवेश करने के बाद उस निवेश को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए आप करते हैं हेजिंग। बट मजेदार चीज यह है कि करंटली मार्केट के अंदर रिटेल निवेशक सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो है हेजिंग। वो सिर्फ और सिर्फ हर दिन ऑप्शंस खरीद रहे हैं, फ्यूचर्स में डील कर रहे हैं, बट उनके पास में अपना कोई पोर्टफोलियो नहीं है जिसके अगेंस्ट में वो हेज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। सो क्वेश्चन, क्या सिर्फ इंश्योरेंस खरीद कर वो दिल्ली से बॉम्बे जा सकते हैं? आंसर है नहीं। इससे ज्यादा मजेदार चीज दूसरी है। आप में से वो लोग फ्रेंड्स जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर एक्टिव हैं, जरा कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एफएनओ सेगमेंट के ऊपर प्रॉपर किसी तरह का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है, कोई इंफॉर्मेशन ले रखी है, या कितनों को ऑप्शन चेन एनालिसिस निफ्टी के अंदर इस्तेमाल होने वाला ये पर्टिकुलर पेज जो आपको YouTube पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा डिस्कशन करने के लिए मिलता है, जिसका डिस्कशन मार्केट आवर में 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सबसे ज्यादा होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में सबसे ज्यादा इसी पर सेमिनार चलाए जा रहे हैं, लोगों के पेड कोर्सेज होते हैं जहां की लोग 2 दिन के कोर्सेज के लिए 30,000 रुपीज तक चार्ज करते हैं। यह इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिली? हमारे ही अपने एक सब्सक्राइबर ने, जो कि बाद में शेयर अकेडमी से जुड़े, उन्होंने कमेंट बॉक्स में हमें यह कमेंट दिया कि सर अगर शेयर अकेडमी से जुड़ गए होते तो 30,000 का जो हमने कोर्स किया था उस कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो सबसे ज्यादा डिस्कस होता है ये एफएनओ सेगमेंट का चार्ट, जिसमें कि निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस की जाती है। हमारा क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें वाकई ये ऑप्शन चेन एनालिसिस पढ़नी आती है?
बेसिकली फ्रेंड्स, जो आज का ये सेशन है, इसका मकसद सिर्फ एक है, मार्केट के अंदर आज की रेट में अवेलेबल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पोर्टफोलियो मैनेजर्स मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल जी का कहना है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करने वाले 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोग पैसे कमाते हैं, 98 लोगों को पैसा गंवाना पड़ता है। क्या आप इतने काबिल हैं कि उन 2 लोगों में शामिल हो सकें, और वो भी आप ट्रेड कर रहे हैं अगेंस्ट प्रोफेशनल्स के। और रामदेव अग्रवाल जी का कहना है कि निवेश में 100 में से 100 लोग पैसा कमा सकते हैं। तो मार्केट के अंदर अगर आप FNO सेगमेंट के अंदर एक्टिव हैं, जहां पर कि सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है कि लोग FNO सेगमेंट के अंदर एक्टिव रहें, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करते रहें, ताकि जो इंस्टीट्यूशनल निवेशक हैं वो उनके पैसे को हथिया कर अपना पैसा बना सकें, क्या आप इतने काबिल हैं कि 100 में से उन 2 लोगों के बीच शामिल हो सकें? अगर नहीं, तो फिर क्वेश्चन ये है कि बिना इंफॉर्मेशन के, बिना नॉलेज के, बिना FNO सेगमेंट की हिस्ट्री और प्रेजेंट जाने हुए, आप अभी तक FNO सेगमेंट के अंदर किस बेसिस पर ट्रेड कर रहे थे, और किस बेसिस पर आपका ये एक्सपेक्टेशन था कि आप मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे? हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, वॉरेन बफे ने कहा है, आई डोंट बाय व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। सो आप सबसे अब एक रिक्वेस्ट है हमारी, जरा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने FNO सेगमेंट के अंदर कभी ना कभी ट्रेड किया है और कितना लॉस कमाया? अगर कोई ऐसा है जिसने कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट कमाया, सो काइंडली कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा आपका नाम, जो अगला हमारा लाइव सेशन होगा उसके अंदर हम जरूर अनाउंस करेंगे। अपने आप से हमेशा ईमानदार रहिए फ्रेंड्स, और उसकी वजह यही है कि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन है FNO सेगमेंट को एज ए हेजिंग इस्तेमाल करना। FNO सेगमेंट का जन्म, ऑप्शंस का जन्म हेजिंग के लिए ही हुआ था। ये दिख रहा है ना आपको, इफ मनी कैन बी मेड बाय हेजिंग देयर बेस्ट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डेज, इसका जन्म हेजिंग के लिए हुआ था, इसलिए आपको इसे हेजिंग के तौर पर ही यूज करना चाहिए। अगर आप इसे हेजिंग के तौर पर यूज ना करके सीधे निवेश के लिए यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप मार्केट के बेसिक डिसिप्लिन को ही ब्रेक कर रहे हैं। और अगर आप मार्केट में डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये उम्मीद कभी भी मत रखिए कि मार्केट के अंदर आपको रेगुलर प्रॉफिट और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जिनका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए, जैसे आप में से कितने ऐसे हैं जो FNO सेगमेंट में इससे पहले ट्रेड कर चुके हैं, और आपने कितना लॉस कमाया FNO सेगमेंट के अंदर। इन ईमानदार क्वेश्चंस का आंसर देकर आप हमारी मदद करेंगे भविष्य में आगे आने वाले वीडियोस बनाने में, जहां कि हम आपके लिए बेहतर जानकारी लेकर आ सकेंगे। ये भी जानकारी लेकर आएंगे कि अगर FNO सेगमेंट के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है रेगुलर, तो फिर FNO का इस्तेमाल आप कब कब, किन परिस्थितियों में और कैसे कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का जो ये सेशन था, बिल्कुल छोटा रखना था हमें, आई ओपनिंग सेशन के तौर पर ही था, और इन क्वेश्चंस का आंसर देने की आप लोग थोड़ी सी जहमत उठाएंगे, थोड़ा सा अपना वक्त निकालिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में प्रोफेशनल डिग्री है, वो कौन सी डिग्री है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में डिग्रीज बिल्कुल नहीं है, साथ ही साथ कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने FNO सेगमेंट के अंदर ट्रेड किया, टोटल लॉस कितना उठाया, और करंटली शेयर मार्केट से और शेयर एकेडमी से आप क्या क्या सीख रहे हैं, साथ ही साथ भविष्य में आपकी इस चैनल से क्या एक्सपेक्टेशन है, या आप क्या चाहते हैं हमें किस टॉपिक पर और वीडियोस बनाने चाहिए, अपने टॉपिक हमें सजेस्ट करके जरूर बताइए इस कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके लिए ऐसे आई ओपनिंग सेशंस न सिर्फ हम लाते रहें बल्कि आपकी लर्निंग में भी मदद करते रहें। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट में न सिर्फ अच्छी चीज़ें सीखनी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज पकड़नी जरूरी हैं, बल्कि खराब चीज़ें और खराब अपॉर्चुनिटीज से दूर रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है लॉस से दूर रहना। उम्मीद है आज का ये सेशन न सिर्फ आपके लिए आई ओपनर साबित होगा, जैसा कि हमारा संडे स्पेशल आई ओपनिंग सेशन था, बल्कि आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा भी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर। मन की बात सीरीज के जो वीडियोस आप देखते रहते हैं उन्हें लगातार रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजते रहिए, आपकी परमिशन से हम आप ही के चेहरे को अपने चैनल का फेस बनाएंगे और आप बन सकते हैं इस चैनल के ब्रांड एम्बेसडर। साथ ही अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर, लेफ्ट साइड में ये पेटीएम नंबर, इस पर पेटीएम कर सकते हैं, आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए भी अपने डोनेशंस दे सकते हैं। फ्रेंड्स जल्दी आपसे मुलाकात होगी हमारी फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और हमेशा याद रखिएगा दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।